दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हिंदी की कुछ प्रोनाउंसिएशन जो कंफ्यूज करने वाले शब्द है उसके बारे में। मैंने इंग्लिश फोनेटिक पे एक वीडियो बनाया था, उसके बाद कई लोगों का मेरे पास रिक्वेस्ट आया कि सर हिंदी का भी कुछ कंफ्यूजिंग वाला वर्ड्स है, उसको भी आप क्लैरिफाई एक बार कर दीजिए। तो आज हम लोग कुछ जो कंफ्यूजिंग वाला वर्ड है, जैसे स, श, श और र, ड और ड, इन तीनों के बीच में क्या प्रोनाउंसिएशन डिफरेंसेस है उसको एक्सप्लेन करेंगे, और कैसे उसको हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे स, श, श में क्या अंतर है। दोस्तों तीन तरह के स हम लोग पढ़ते हैं, तीनों स है हम लोग को पढ़ाया ये जाता है कि स दंतव्य स, तालव्य स और मूर्धन्य स, तीन शब्द स होता है, बट उनका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है वो बहुत कम लोग बता पाते हैं। मैं आपको बताता हूं, जो दंतव्य स है वो एक स होता है, दांत के पास से बोला जाता है, दांत के पास आप जीभ रखेंगे और स स वो स है, ये दंतव्य स ऐसा होगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे सपेरा, सभा, संपर्क, समाज। अगर आप लोग मेरे साथ रिपीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सपेरा, सभा, संपर्क, समाज। ये स स दांत के पास जो आके स बोलता है वो स स। ठीक है, तालव्य, अब ये तालव्य स क्या होता है, देखिए एक इमेज के माध्यम से आप लोग समझिए, ये लेट सपोज कि हमारे ये मुंह के अंदर का इमेज है, ऊपर वाले जबड़ा इसको समझ लीजिए, जो स होता है उसके थोड़ा सा पीछे ऊपर वाला जो होता है जबड़ा, जैसे कुछ हम कठोर चीज खाते हैं अमरूद या कोई चीज, और जो काटने में कभी चोट लग जाता है ऊपर वाला, उसको हम लोग तालू बोलते हैं, ऊपर वाला जीभ से ये हो। ठीक है, वहां से जो आवाज निकलती है उसको श बोलते हैं, लाइक ताला दे, यानी तालू से जो बोलने वाला श होता है उसको श, शरीफा, शर्मा, शरारत, शर्मिंदा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, शरीफा, शर्मा, शरारत, शर्मिंदा, ये हुआ श। ठीक है, एक है मूर्धन्य, जो हमारा तालू होता है उससे और पीछे स्थान होता है, आप याद कीजिए ट, ट का हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एकदम मूर्धन्य के पास से, वहीं से जो श निकलेगा श, श वो मूर्धन्य श होगा, इसको बोलना षटकोण, षड्यंत्र, स्पष्ट। ठीक है, तो ये तीनों श का डिफरेंस है। ठीक है, यहां पे इसको जो यहां से निकलता है उसको दंतव्य स बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे आप समझ लीजिए और इसको ऐसे, ये आपका, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, स, श और श में क्या अंतर है, इन तीनों के बीच का ये अंतर है, स दंतव्य स दांत के पास वाला स होता है, तालव्य स तालू के पास जो श निकलता है वो होता है, और मूर्धन्य जो पीछे जो तालू होता है उसके और पीछे वाले भाग से आवाज जो निकलता है श, वो श होता है। ठीक है, फाइनल में रिपीटेशन बोल रहा हूं, सपेरा, सभा, संपर्क, समाज। ठीक है, शरीफा, शर्मा, शरारत, शर्मिंदा। अब इन दोनों को मिक्स करके एक बार रीड आउट कीजिए, कंफ्यूजन ना हो। सपेरा, शर्मा, शरारत, संपर्क, समाज, शर्मिंदा, सभा, शरीफा। आप ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी आप मिस्टेक मत कीजिए, इसको थोड़ा रीड आउट करना पड़ेगा, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जब भी ये कभी कहीं पे भी स्पीच देंगे या किसी के सामने बोलेंगे, एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट आएगा। दोस्तों यहां पे एक बात मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहूंगा कि कई लोग क्या करते हैं, या तो यही सब सारे सब में प्रोनाउंस करते हैं, या फिर ये वाला शब्द प्रोनाउंस कर लेने लगते हैं सारे सब में। तो आपको इस वाला शब्द जो है, जिसको हम मूर्धन्य श बोलते हैं, इसका उपयोग बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा आपको क्लैरिटी इन दोनों के बीच रखने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर उपयोग इन दोनों शब्दों का बहुत ज्यादा होता है। तो आप ये ध्यान में रखें कि जहां पे भी ये वाला स लिखा हुआ है दंती स है, यहां ये वाला है
श्योर इन दोनों के बीच क्लैरिफिकेशन रखेंगे, फिर आपकी जो स्पीच है वो काफी अच्छी क्वालिटी होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि रॉ, पड़ा और डॉ में क्या अंतर है। शौक तो नहीं लगा कि ये क्या बता रहे हैं। बेसिकली ये दोनों कंफ्यूजन वाला वर्ड है, इसको हम लोग जानते हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, बट स्टिल इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने इस डॉ को भी इसमें इंक्लूड कर लिया एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, इन दोनों को प्रोनाउंसिएशन में क्या डिफरेंस है। ये है रॉ, जो नॉर्मल रॉ होता है वो वाला रॉ है। जैसे आगे चलो, रात, रोना, रोबोट, रंजय, इन नॉर्मल जो सामान्य रॉ जो होता है रॉ रॉ रॉ, ये आप देखेंगे हमारा जीभ जो है वो तालू के और दांत के बीच वाले स्थान को टच करके बोलता है, वो रॉ। ठीक है, नॉर्मल रॉ। अब यहां अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ये वाले रॉ को भी हम लोग क्या बोलते हैं, घोरा, लड़का, ये जो कि बिल्कुल ही प्रोनाउंसिएशन गलत है, ये नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लोग ये वाला नहीं लिखते, ऐसे लिखते घोरा, ऐसा लिखते हम लोग, ऐसा लिखते तो नहीं है, लेकिन पढ़ते क्यों है ऐसा, ये गलत है। लिखते अगर ये है अड, तो हमें बोलना भी चाहिए अड। ठीक है, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं रबड़, घोड़ा, लड़का, बड़ा। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, हमारी जीभ जो है वो तालू में हल पीछे से टच करते हुए आगे की तरफ आता है, अड़ा 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 अड़ा, ऐसे करके आप देख सकते हैं, आपको क्लियर दिख जाएगा। अड़ा, आपका जीभ जो है ऊपर वाले तालू को पीछे से हल्का झटका मारते हुए आगे की तरफ टच करते हुए आगे की तरफ आता है, उसको हम लोग अड़ा बोलते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रबड़, यहां देखिए सबसे बेस्ट, र ब अड़ा, र ब अड़ा, रबड़, घोड़ा, लड़का, बड़ा, ये प्रोनाउंसिएशन। और ये सिंपल है डॉ, ये एक्चुअली मैंने इसलिए आपको बताया है कि इसमें और इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को एक ही प्रोनाउंस करते हैं। तो ये ड, जो टस, जहां से हम लोग मूर्धा से आवाज निकल, ट ठ, वहां से ही ड आवाज निकलता है मूर्धा के पास से। ट, आप देखें जीभ हमारा मूर्धा के पास से आवाज निकल रहा है, ठ, उसी तरह से ये ड, जो सामान्य ड है, डफली डफली, डगमगाना, डमरू, डगर, सिंपल ड। इसके और इसके बीच में कंफ्यूजन मत होइएगा, और रॉ और रॉ के बीच में कंफ्यूजन मत होइए। एक बार फिर से मैं मिक्स करके रिपीट कर रहा हूं, रे रबड़, घोड़ा रात, रोना लड़का, बड़ा रोबोट, रंजन डमरू, डगर घोड़ा, डफली रोना। इस तरह से आप लोग मिक्स करके अगर प्रोनाउंस करेंगे तो आपकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने की क्षमता डेवलप हो जाएगी और आप करेक्ट प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि कहीं पे भी आप स्पीच देंगे, कोई मीटिंग सेमिनार अटेंड करेंगे, किसी कन्वर्सेशन के हिस्सा होंगे, तो अगर आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपका एक अलग ही इम्पैक्ट रहेगा। दोस्तों ये था कुछ हिंदी का कंफ्यूजन वाला वर्ड। तो आज हम लोग स्टडी किए स, श और श में डिफरेंस, एंड देन र, ण और ड में डिफरेंस। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी जो बोलने की क्षमता है और एक अच्छे, बहुत अच्छे स्पीकर, वक्ता के रूप में आप जाने जाएंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चाहते हैं किसी और मैटर पे वीडियो बनाना तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताएं किसी और मैटर, जो भी आपका कंफ्यूजन वाला कोई ऐसा वर्ड है जिसको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट करके बताएं, मैं उस डिफिकल्ट वर्ड पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।